मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ उस पूरे प्रोसेस को, और बच्चे तो फट से सीख जाते हैं, मैं कुछ भी उनको बताता हूँ। अगर हमारा कंपटीशन है तो ये है कि बच्चों को सिखाना। दानिश मेरा भाई है और हमारा एक बहुत ही पुराना रिश्ता भी है। हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ये मेरा भाई है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, माशाल्लाह बहुत कमाल भी गाते हैं, और मैं एक सीज़न कर चुका हूँ तो अब मेरा दूसरा सीज़न है। तो मुझे पता है कि मैंने पहला सीज़न जो किया था, मुझे थोड़ी सी उस चीज़ की नॉलेज है बस, तो वही मैं अपने दानिश भाई को बताते रहता हूँ कि भाई अब हमको ये करना है। इनको ही नहीं बल्कि मेरे और भी जो साथी है सबको बताते रहता हूँ। और जो पहला सीज़न था उसमें माशाल्लाह बहुत ही कमाल के टैलेंट आए थे, तो मैं यही सोचता रहता था कि यार अब इसके बाद में कौन आएगा। तो अब की बार में जो टैलेंट आया है निकल के, जो हमने ढूंढे हैं, जिस कदर हमने टैलेंट ढूंढा है, कसम से सच बता रहा हूँ, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है ना कि मैं बता नहीं सकता। दानिश भाई हम ऐसा कोई देश का कोना नहीं छोड़ा है जहाँ पर हमने बच्चों को नहीं ढूंढा है, लेकिन वहाँ से इतने ज़बरदस्त टैलेंट निकल कर आए ना कि देखिए, पहले अभी क्या होता है कि रियलिटी शो में हम जब गाते हैं तो सिर्फ बच्चे सिंगिंग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, है ना। अभी जो बच्चे आए हैं वो पियानो भी बजा रहे हैं, और पियानो बजा कर गा रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, परफॉर्मर पूरे तैयार होकर आए। ऐसा लग रहा है कि मतलब उम्र उनकी 5-6 साल की उम्र है, लेकिन एक्सपीरियंस उनका ऐसा है कि जैसे 50-60 साल के लोग हैं ना, उनका एक्सपीरियंस है। तो उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कमाल के टैलेंट हम लोग ढूंढ कर लाए हैं और वो लोग गा रहे हैं, है ना। तो बस यही है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बस अब जल्दी से 23 अप्रैल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि हमारे देश में किस कदर टैलेंट भरा हुआ है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल सही बात बताई है। ये बात तो बच्चों से सीखनी चाहिए, हम सब बड़ों को सीखनी चाहिए कि उनको वो फियरलेस होते हैं, उनको कोई उनके दिल में कोई डर ही नहीं होता है कि मैम मैं स्टेज पे जाऊंगा, मैं कैसा परफॉर्म करूंगा। वो बिंदास गा देते हैं, कुछ सोचते नहीं है दिमाग में, जो उनको आता है वो पूरा अपना 100% कैसे डिलीवर करना है स्टेज पे, वो जो है वो हमको बच्चों से सीखना चाहिए, और वो ऐसा कर ही रहे हैं। और मैं इस पूरे प्रोसेस को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, एंड आई फील दैट आई एम अ लक्की गाय, दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस शो। तो इस शो का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है। मैं मुझे इतना टाइम समय बिताने को मिल रहा है, एक म्यूज़िकल एनवायरनमेंट में रहने को मिल रहा है बच्चों के साथ, सो इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी, एंड मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ उस पूरे प्रोसेस को। और बच्चे तो फट से सीख जाते हैं, मैं कुछ भी उनको बताता हूँ तो वो, और मैं सलमान भाई से भी एडवाइस लेता रहता हूँ। हमारे सलमान भाई जो है वो सीनियर तो है ही, पिछला सीज़न तो उन्होंने किया था, गायकी में भी सीनियर है ही, गायकी में भी हमसे आ रहे हैं। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, ये बड़प्पन नहीं है, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हैं इनको, तो मैं बचपन से इनका पहला शो देखा था मैंने, छोटे से एक रियलिटी शो में आए थे, तब से मैं इनको सुनता आ रहा हूँ। फिर इंडियन आइडल में इनको देखा मैंने, मैं ये सच्ची बता रहा हूँ। फिर सीज़न 10 में इन्होंने जो धमाल मचाया है, झंडे गाड़े हैं अपने नाम के, सारी दुनिया को पता है सलमान अली के नाम के झंडे गाड़े हैं। तो मैं भाई से भी एडवाइस लेता रहता हूँ कि आपने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की हैं, तो वो सब पूछता रहता हूँ मैं। और बहुत मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतने टैलेंटेड बच्चे आए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, उनमें जो हुनर है वो, जैसा कि उन्होंने बताया कि 50 साल का एक एज में जाने के बाद इतनी जो है वो सहूलियत हमें आती है, इतनी तहजीब आती है कि कैसे हमें क्या चीज़ करना चाहिए, वो अल्लाह ने उनको बचपन में अता की हुई है। तो एक क्या बोलते हैं, एक चमत्कार है ये, हाँ वो क्या बोलते हैं, आने वाली जनरेशन और ज़्यादा अपग्रेड होती है हम सब लोगों से। इससे आज मुझे वो अंदाज़ा हो गया कि हाँ यार, कि ये बात सही थी, वो कहावत बिल्कुल सही थी। मेरी इनके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, पहले दिन से ही मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, और ये सब इतने माशाल्लाह इतने प्यारे इंसान हैं ना सारे लोग। दानिश तो भाई है मेरा, ये तो मुझसे वैसे भी प्यार करता है, मेरा भाई है, लेकिन ये जो साइली है अपना, पवनदीप भाई है हमारे, और अरुणिता है, ये खुद इतने प्यारे हैं ना, अगर ये लोग बात भी कर रहे हैं ना, अगर मैं अलग खड़ा हूँ तो ये लोग मुझे बुला लेते हैं, अरे सलमान आओ ना,
अरे बातचीत करते हैं ना, तो हंसी मजाक चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चार अलग है तो मैं एक अलग खड़ा हूँ, तो ये लोग अलग, इनकी अलग बातचीत चल रही है और मैं अपने एक अलग खड़ा हूँ और मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले दिन से ही ऐसा था कि मैं अगर साइड में खड़ा हूँ तो इन्होंने मुझे पहले, अरे सलमान भाई, अरे यार आप खड़े क्यों, आ जाओ बैठ के बात करते हैं हम लोग। फिर तो अपनी एक हमारी गैंग होगी, ट्यूनिंग बन गई पहले दिन से ही। और अब एक परिवार की तरह रहता है, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, और अगर मिलकर रहेंगे तो काम बहुत अच्छा होता है ना, दिल से काम होता है एक साथ में अगर मिलकर काम करेंगे तो बस वही है और तो बाकी। यानी कंपटीशन तो है, वो अपनी जगह है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सीट है जो हम लोगों को मिली है, कैप्टन की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस कैप्टन की जिम्मेदारी को हम इंसाफ करें। तो उसके साथ साथ एक प्रेशर भी आता है कि हाँ अब हम लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी। लेकिन एक उसका आपने पूछा कि कॉम्पिटिशन है या नहीं है, वो कॉम्पिटिशन है, वो बच्चों के लिए है ताकि हमारे बच्चे और अच्छा गाएं, इसलिए हम लोग आपस में कंपटीशन करते हैं वैसे। लेकिन हमारा प्यार इतना है ना कि अब किसी की भी टीम का बच्चा अगर गाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, हम लोग खड़े हो जाते हैं, सीट पे खड़े हो जाते हैं। जब सुर जो है वो, जब कोई भी हो उसमें, कोई भी हो, चाहे वो कोई बड़ा हो, चाहे वो कोई छोटा हो, चाहे वो उस शो का पार्ट ना हो या उस शो का पार्ट हो, वो सुर जब छिड़ता है तो वो एक कनेक्ट करता है इंसान को। तो जब बच्चे गाते हैं और वो किसी भी टीम का बच्चा जब कमाल गाता है ना, तो हम लोग क्या ना, मेरा तो सीना 56 इंच का हो जाता है कि हाँ यार वाह यार क्या टैलेंट है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना टैलेंट हम भरा पड़ा है कि क्या ही बताएं, इतना टैलेंट। अभी देखेंगे आप 23 अप्रैल को हमारा शो जो है वो टीवी पर आएगा, तो प्लीज़ उसको देखें गाइस। एंड आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितना प्यार आप सब ने हम लोगों को दिया है उससे 100 गुना ज़्यादा इन बच्चों को प्यार दें, क्योंकि बहुत ही मासूम होते हैं बच्चे जो हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, ये तो सभी कहते हैं। और प्लीज़ इनको इन पर प्यार बरसाइए बस। ऐसा नहीं है एक्चुअली, मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग ये सोचते हैं ना कि अगर हम कंपटीशन सोचते हैं ना कि हम एक दूसरे से कंपटीशन है, तो वो हमारे बीच में कंपटीशन नहीं है, वो है हमारे बच्चों के लिए, उससे फ़ायदा हमारे बच्चों के लिए जाएगा, है ना। अगर हम कंपटीशन है तो वो उससे ये होता है कि हमारे बच्चे अच्छे गाएं, उनको हम और सिखाएं, क्योंकि वो शो में तो अच्छा गाए लेकिन अपने आने वाले टाइम पे वो और भी अच्छा गाए, क्योंकि वो तालीम ऐसे नहीं कि शो तक ही उनके पास वो तालीम रहेगी जो हम सब कैप्टन या जो भी हम सब लोग सिखाएंगे उनको, ऐसा तो नहीं कि शो तक ही रहेगा, वो तो ज़िंदगी भर का रहेगा, है ना। तो अगर हमारा कंपटीशन है तो ये है कि बच्चों को सिखाना, मैं इनके बच्चों को सिखा देता हूँ, मैं उनके बच्चों को सिखा देता हूँ, तो इससे सारा क्रेडिट जाएगा हमारे बच्चों को और हमारे शो को। शो अच्छा होना चाहिए, बच्चे अच्छे गाएंगे तभी हमारी जनता प्यार देगी, क्योंकि जनता ही है जो हमें प्यार देती है, जो हमें चढ़ाती है। तो अगर बच्चे अच्छे नहीं गाएंगे तो फिर हमारा शो भी और हमारी मेहनत कोई काम की नहीं है। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हो सके तो हम अपने बच्चों को इतना सिखाएंगे कि वो आने वाले समय में भी बहुत अच्छा गाए। मैं सच बताऊँ, मैं एक बहुत ही बोलते ना कि बहुत ही नीचे से मैं उठकर आया हूँ। मेरी फैमिली जो है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही गरीब फैमिली से मैं आया हूँ। तो मैं जब अपने घर से निकला था तो मैंने एक ही चीज़ मैंने सोचा था कि जब अपनी मंजिल की ओर निकला तो मैंने सोचा था कि अब मुझे पीछे मुड़ कर नहीं देखना, कभी आगे की तरफ देखना, पीछे नहीं देखना है। अगर पीछे मुड़ कर देखा, एक होता ना एक कुआँ होता है, कुआँ उसमें बहुत सारे मेंढक होते हैं, आपने देखा होगा। तो एक मेंढक जब निकल के ऊपर जाता है ना, तो और जो नीचे के जो मेंढक होते हैं ना, वो टांग पकड़ के खींच लेते हैं, है ना। तो मैंने घर से ये सोचा था कि सलमान अब तुम कुछ करना है, और दिल से काम, मैंने एक्चुअली हमेशा दिल से काम किया। मैंने जब इंडियन आइडल में गाया था, जब मैंने ऑडिशन में पहला गाना गाया था तो मैंने दिल से गाया था और ये सोच कर गाया था कि बस अपने लिए गा रहा हूँ और किसी के लिए नहीं गा रहा हूँ। तो मैं धीरे धीरे बस दिल से परफॉर्म करता गया, अपने लिए गाता गया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे किसी से कॉम्पिटिशन है या मुझे किसी से अच्छा गाना है, नहीं, मुझे अपनी जो जनता है, अपने फैंस है, उनके दिल में उतरना है और उनके लिए गाना है, बस या अपने लिए गाना है बस।
अगर मैं किसी से कंपटीशन करता तो क्या पता मैं उनको अच्छा दिखाने के चक्कर में अपना बेस्ट खो देता। तो बस मैं आगे चलता गया और सच्चे दिल से काम करता गया, काम करता गया, लेकिन सच्चे दिल से काम किया आप। और प्यार किया तो सिर्फ काम के साथ प्यार किया, म्यूज़िक के साथ काम किया, उसके साथ ही मैं आगे चलता रहा। तो बस मुझे बस अल्लाह ने मुझे रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने, बस मैं उस रास्ते पर चलता गया। कभी गलत रास्ता चुना नहीं। बहुत सारी चीज़ें आती है जब इंसान के पास, जब नाम आता है, शोहरत आती है, इज्जत आती है, बहुत सारी चीज़ आती है, लेकिन इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से रास्ते पर जाना चाहता है। लेकिन मैंने अपना एक ही रास्ता, एक ही फोकस रखा जो शुरू से ही रखा था, बस उसी को रखा कि बस इस रास्ते पर चलना है तो इसी पर चलना है। अब इसमें चाहे कांटे हो, चाहे इसमें आग हो, चाहे इसमें पानी हो, चाहे इसमें आंधी हो, चाहे इसमें तूफान हो, मुझे इसी रास्ते पर चलना है और रास्ते पर जाना नहीं है। आज उसी रास्ते पर चलते चलते ऊपर वाले ने मुझे मूवी में भी गाने गवाए, ऐसे बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला और सलमान सर के साथ में काम करने का मौका मिला, और आज आप सभी के सामने एक कैप्टन के तौर पर भी बैठा हूँ। बिल्कुल मैम, ये मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो जाएंगी। मैं वहाँ पे, हम लोगों ने लंदन फैमिली में परफॉर्म किया, यहाँ पे माइकल जैक्सन परफॉर्म करते थे, उन स्टेज पे हम लोग जाके गा के आए हैं। और अभी हमारे सीज़न को ख़त्म हुए कितना टाइम हुआ है, कुछ ही महीने हुए होंगे, साल भी नहीं हुआ है अभी तक। तो इसी साल के अंदर हम लोग जो है वो कैप्टन बन के आ रहे हैं सब लोगों के सामने, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और मैं तो अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। ये जस्ट मेरे मम्मी डैडी, मेरे घर वालों की दुआएं हैं, उनकी दुआओं का सिला है। मेरी मम्मी हमेशा नमाज में पढ़ के मेरे लिए दुआ करती थी, तो आज मैं वही सोचता हूँ कि हाँ, ये शायद मेरी माँ की दुआएँ हैं जो आज ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे लाइफ में हो रही हैं, मेरे जीवन में हो रही हैं। आज मैं यहाँ पर हूँ तो उनकी दुआओं के, हाँ, उनकी दुआओं के वसीले के सदके में आज मैं यहाँ पर हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय थॉट्स। मेरे पास अपने शब्द बताने के लिए वो है ही नहीं है कि मैं कैसे बताऊँ कि मुझे क्या क्या अल्लाह ने दिया है। बस ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ मैं, हमेशा अल्लाह का शुक्र गुजार ही रहूँगा मैं, थैंक गॉड। एंड बस कोशिश करता रहूँगा कि मैं इसी रास्ते पर चलता रहूँ और ऐसे ही अपने मम्मी डैडी का नाम रोशन करता रहूँ। और ये बड़ी बात होती है, क्या होता है कि मैंने जब इंडियन आइडल जीता था, तो जैसे आपने बोला कि ऐसे सरीना में मैंने परफॉर्म किया था वहाँ पर, और माशाल्लाह से आप सभी की दुआ से, जनता के प्यार से मेरा सोलो शो हुआ था अकेले का, और पूरा सोल्ड आउट था माशाल्लाह से पूरा। तो मतलब एक ख्वाब रहता है वहाँ पर परफॉर्म करने का, भाई ने परफॉर्म किया है, हमने परफॉर्म किया है, एक ख्वाब रहता है कि यार इस मंच पर काश हम लोग परफॉर्म करें। बहुत कम लोग परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरा सोल्ड आउट शो अकेले का, लोग पूरे मुझे सुनने के लिए आ रहे, तो ये कितनी खुशी की बात है माशाल्लाह, कितना अच्छा है हमारे लिए। हम लोगों ने कितने अच्छे काम किए होंगे अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हमें ये मिल रहा है, हमारे माँ बाप की दुआ है। तो बस हम काम कर रहे हैं, बाकी तो अल्लाह मालिक है।